बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। योर मैथ्स टीचर मिस शाहिदा खलील इज हियर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 4.5, एंड टुडे वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन नंबर 10, 11, दैट इज अबाउट रिमाइंडर थ्योरम, एंड क्वेश्चन नंबर 12-16 which is about synthetic division. Dear students, in the previous lecture, we have done remainder theorem, that was when a polynomial f of x of a degree n greater than or equals to 1 is divided by x minus c until a constant remainder is obtained, then this remainder is f of a. Previous lecture mein humne remainder theorem padha tha, जिसमें हमने यही पढ़ा था कि जब हम एक पॉलीनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ a। देन हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1-4 डिस्कस किए थे जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया था, एंड इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम किए थे। एंड व्हाट वाज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम हमारे पास था कि the polynomial x minus a is a factor of f of x if and only if f of a equals to 0. Means that कि जब भी हमारे पास कोई polynomial जो है किसी दूसरी polynomial का factor हो और तो हम कहते हैं कि उसका जो remainder है वो 0 होगा। And इसको हमने two parts में prove किया था कि the polynomial x minus a is a factor of f of x, first हमने suppose किया था and then हमने prove किया था then f of a equals to 0. एंड सेकेंड पार्ट में हमने सपोज किया था कि इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन वी विल सॉल्व इस क्वेश्चन नंबर 5-9 अबाउट फैक्टर थ्योरम, एंड उनको हमने किस तरह से सॉल्व किया था कि हमें दो पॉलीनोमियल्स गिवन थी, उसमें हमें फाइंड करना था कि फर्स्ट पॉलीनोमियल जो है वो फैक्टर है सेकेंड पॉलीनोमियल का या नहीं। तो वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था कि फर्स्ट पॉलीनोमियल से हम जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको हम सेकेंड पॉलीनोमियल में पुट करके चेक करते थे वेदर एफ ऑफ ए इज जीरो और नॉट। अगर एफ ऑफ ए जीरो आता था तो हमने कहा था कि ये पॉलीनोमियल जो है सेकेंड पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स का जो है वो फैक्टर है। अगर वो जीरो नहीं आता देन वी सेड इट इज नॉट अ फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस द रिमाइंडर थ्योरम अगेन। एंड इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि व्हेन अ पॉलीनोमियल, जो हमें एक पॉलीनोमियल गिवन है x4 plus 2x cube plus kx square plus 3, it is divided by x minus 2. We are saying कि जब हम इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं by x minus 2, the remainder is 1. And what's the difference from the previous question? इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या डिफरेंस है? पहले हमें एक पॉलीनोमियल गिवन होती थी और एक डिवाइजर, एंड हमने जो है वो फाइंड करना था कि इसका रिमाइंडर क्या है। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर गिवन है बट इस पॉलीनोमियल में हमारे पास जो है एक अननोन नंबर भी है, दैट इज k। वो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन को अगेन समझ लें कि हमें इसमें एक पॉलीनोमियल गिवन है, उसका डिवाइजर भी गिवन है एंड उसका रिमाइंडर भी गिवन है। When x4 plus 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1, we have to find the value of k. तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हम इस polynomial को जो है वो f of x के equal suppose कर लेंगे and हमारे पास जो divisor है x minus, जो divisor है x minus 2, यहाँ से हम इसको x minus a से compare करके a की value find out कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। एंड इसको जब हम f ऑफ x में पुट करेंगे टू फाइंड f ऑफ a, तो वो हमारे पास f ऑफ a की जो वैल्यू आएगी उसको हम बाय द रिमाइंडर थ्योरम इक्वल पुट कर देंगे रिमाइंडर के, और रिमाइंडर हमें यहाँ पे गिवन है इट इज 1। r इक्वल्स टू f ऑफ a लेकर हम इससे k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पॉलीनोमियल को एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3, एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है एक्स माइनस 2
उसको हम कंपेयर करेंगे विद एक्स माइनस ए. सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्स एक्स से कैंसिल एंड माइनस माइनस से, एंड ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, ए इक्वल्स टू टू. नाउ बाय रिमेंडर थ्योरम हम आर इक्वल्स टू एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. तो इसको हम एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू इक्वल हो जाएगा. जहाँ भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स में एक्स है हम वहाँ पर एक्स की प्लेस पे टू पुट कर देंगे. तो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू टू रेज टू पावर फोर प्लस टू इंटू टू रेज टू पावर क्यूब प्लस के टू रेज टू पावर टू प्लस थ्री. इसको हम सॉल्व करें तो टू की पावर फोर जो है वो 16 हो जाएगा, एंड प्लस टू क्यूब इज 8, एंड 8 इंटू टू दैट ऑल्सो बिकम 16, प्लस टू स्केयर इज 4, 4 इंटू के 4k प्लस 3, एंड इसको सॉल्व करें तो इट बिकम्स 4k प्लस 35. एंड हमारे पास क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर गिवन है तो r इक्वल्स टू 1. r क्या था हमारे पास, f ऑफ 2 के इक्वल, और f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इट इज 4k प्लस 35. तो इसको हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. सो 1 इक्वल्स टू 4k प्लस 35, एंड 35 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे दैट बिकम्स माइनस 34. सो 4 को हम साइड पे ले आएंगे तो k इक्वल्स टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 से कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 17 ओवर 2. सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी वेरी इजी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी, उसका डिवाइजर था एंड उसका रिमाइंडर था. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो हमें इस पॉलिनोमियल में नहीं थी पता. सो इसको हमने पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज किया, फिर डिवाइजर x माइनस a से हमने a की वैल्यू निकाली दैट इज 2. फिर इस पे रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई किया, और रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहते हैं, रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के इक्वल, और यहाँ पे a क्या है, 2. सो रिमाइंडर r इक्वल्स टू एफ ऑफ 2. हमने इस पॉलिनोमियल से एफ ऑफ 2 निकाला दैट कम्स 4k प्लस 35, एंड इसको हमने रिमाइंडर 1 के इक्वल पुट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 1. सो 1 इक्वल्स टू 4k प्लस 35, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई माइनस 17 ओवर 2. सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गई होगी. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है, एक उसका डिवाइजर गिवन है, एंड उसमें भी हमारे पास रिमाइंडर गिवन है. सो वहाँ भी हमें इसी तरह से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. तो इसी की हेल्प से इन्हीं लाइंस को आप देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सॉल्व इजीली एज योर असाइनमेंट. एंड डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज अबाउट सिंथेटिक डिवीजन. एंड डियर स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर यू हैव डन द फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, दैट इज by solving by factorization, by completing square method, and by using quadratic formula. And in this in doing so we will factorize the polynomials. And aapne dekha ki polynomial jis tarah se numbers ke factors hote hain, in sab methods ko apply karne ke baad hame polynomials ke bhi factors mile. That means ki polynomials also have factors like x square plus 2x minus 3 equals to x minus 1 into x plus 3, just like numbers do. जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो उसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. 15 जो है equals to 5 into 3. And when we do the prime factorization, for example, हम किसी भी नंबर की आम नंबर्स में हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, for example 72, इसको हम स्प्लिट अप करें into factors. एंड यू कैन सी हमारे पास लास्ट पे जो नंबर्स आते हैं दीज आर द प्राइम नंबर्स, 3 into 3, 2 into 2 into 2. तो 72 को हमने ब्रेकअप कर दिया इंटू प्राइम नंबर्स. नाउ दैट अराइज द क्वेश्चन, आर देयर प्राइम पॉलीनोमियल्स, क्या पॉलीनोमियल्स में भी ऐसा होता है कि पॉलीनोमियल्स भी प्राइम होती हैं. सो द आंसर इज येस. इफ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल, so you can see ax cube plus bx square plus cx plus d, ऐसे कोई polynomials हमारे सामने आए तो we can't say whether it is a prime polynomial or a not a prime polynomials. so prime polynomials में हम इसे factorize नहीं कर सकते,
जैसे हम किसी भी पॉलीनोमियल को देख के बता दें कि दैट इज प्राइम और नॉट. इट्स नॉट इजी टू टेल वेदर अ पॉलीनोमियल इज प्राइम और नॉट. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ पॉलीनोमियल x6 + 1, सो दिस इज नॉट अ प्राइम पॉलीनोमियल, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. अदरवाइज अगर x6 - 1 हो, सो इसके हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. सो वी नीड अ स्पेशल टेस्ट टू टेल वेदर अ पॉलीनोमियल इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और नॉट, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन. तो इन सिंथेटिक डिवीजन हम जो है पॉलीनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, एंड देन वी विल फैक्टराइज दैट पॉलीनोमियल, इवन वेदर दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल और नॉट. सो व्हाट इज अ सिंथेटिक डिवीजन? So this is a shortcut method for long division of polynomial f of x by the polynomial of the form x minus a. ये भी हमारे पास एक division का method होता है, but it's a very short method. की बजाय इसके हम long division करें, यहाँ हम synthetic division से easily हम किसी भी polynomials के factors find out कर सकते हैं. इसको हम divide करते हैं by पॉलीनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस ए, मींस इसमें भी हम जो डिवाइड करते हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन से करते हैं. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आप डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते इन सिंथेटिक डिवीजन. सो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन. तो इस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें सबसे पहले जो है हम जो इस पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल लेते हैं, और वो पॉलीनोमियल आपके पास किसी भी डिग्री की हो सकती है, सेकेंड डिग्री पॉलीनोमियल हो सकती है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, किसी भी पॉलीनोमियल जो डिविडेंड है वो हमारे पास किसी भी फॉर्म की पॉलीनोमियल हो सकती है. बट डिवाइजर पे कंडीशन है, डिवाइजर जो है वो उसका हमारे पास एक्स माइनस ए की फॉर्म का ही होना चाहिए, मींस कि वो हमारे पास फर्स्ट पावर में ही हो. सो उसको हम डिवाइड करने के लिए जो हमारा डिवाइजर है उसको हम जो है डिवाइजर बॉक्स राइट जो उस पर लिखते हैं, उस वहाँ से हम x माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज a. एंड सबसे पहले हमने जो हमारी डिविडेंड पॉलीनोमियल होगी उसके जस्ट हम कॉफिशेंट लेंगे, उसके कॉफिशेंट को हम इस वे में लिख लेंगे. एंड उसके बाद हमने जो उसका कोई भी मिसिंग कॉफिशेंट है, किसी भी पावर का मिसिंग कॉफिशेंट है, तो उसकी जगह पे हम जीरो इंसर्ट करते हैं. हमने इसको एक ये बार्स फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद हमने एक साइड पे इसका डिवाइजर ले लिया, एंड अंदर हमने उसकी जो पॉलीनोमियल है एक्स की पावर्स के साथ हमने उसके जो कोफिशिएंट्स है वो लिख लिए. एंड देन फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, जो हमारा डिविडेंड है उसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा उसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है, दैट इज पी. पी को हम इसी तरह से जो है वो नीचे उतार लेंगे. एंड उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने जो है जो हमारा डिवाइजर बॉक्स में ए है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है विद पी, एंड द आंसर कम्स बिलो द नेक्स्ट कोफिशिएंट जो हमारा है क्यू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्यू, उसका आंसर हमारे पास वहां आ जाता है. एंड उसके बाद जो है दैट बिकम्स ए पी. ए पी जो है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं, क्यू प्लस ए पी हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स नीचे आ जाएगा. एंड इन दिस वे ये जो वर्टिकल फॉर्म में एरो है दैट शोज कि इसमें इसको हमने ऐड करना है ऊपर क्यू से, एंड उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से प्रोसीजर चलेगा. हमारे पास जो हमारा आंसर होगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, एंड उसको हम सी के नीचे लिखेंगे, एंड देन जो हमारे पास होगा उसको हम नेक्स्ट जो ऐड कर देंगे सी के साथ. एंड इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको देन हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको डी के नीचे लिखेंगे, एंड द लास्ट वन जो हमारे पास होगा दैट इज आवर रिमाइंडर. सो दैट्स द प्रोसीजर ऑफ सिंथेटिक डिवीजन. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लाइन हम टॉप पे लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड. एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है जो लास्ट बॉक्स में आंसर आते हैं उसको हम कहते हैं रिमाइंडर. एंड जो हमारे पास नीचे जो बचेंगे ये दैट ब्लू एरो शोज, दैट शोज द कोफिशिएंट्स ऑफ द कोशेंट. ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, लास्ट वन इज द रिमाइंडर, एंड द नेक्स्ट प्रीवियस वन जो इसमें है वो तीनों जो होंगे वो हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट्स होंगे. एंड इस तरह से हम पॉलीनोमियल बनाएंगे. अगर तो हमारे पास इसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम जो है उसका फैक्टर है. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता
It means that only the remainder and previous are the quotient coefficients. And next इसकी outline देखेंगे इस method में हम करते क्या हैं. So let's see the outline of this method. इसमें हमारे पास जो है first हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी polynomial given है जिसको हमने divide करना है, जो भी हमारा dividend f of x है, हम उसके coefficients लिखते हैं. एंड कोफिशिएंट्स डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखनी है ये चीज़ कि आपने हमेशा जो है पॉलीनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स लिखने हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं. ठीक है, कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर्स के हिसाब से अगर आपके पास कोई एक्स की पावर मिसिंग है तो उसकी जगह पर हम जीरो इंसर्ट करते हैं. ठीक है, कि इसको हम जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. सबसे पहले यही देखना है आपने एंड इंसर्ट जीरो फॉर एनी मिसिंग टर्म. उसके बाद हम कोई भी अगर मिसिंग टर्म है, कोई भी एक्स की पावर मिसिंग है तो उसकी जगह पर हम जीरो इंसर्ट करके उसका कोफिशिएंट जीरो लेते हैं. एंड देन इज द टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन राइट ए ऑफ द डिवाइजर एक्स माइनस ए. ये लेफ्ट फर्स्ट लाइन के लेफ्ट पे हमने हमेशा जो है जो भी हमें डिवाइजर गिवन होगा एक्स माइनस ए उसका हमने ए लिखना होता है. वहाँ से हम ए फाइंड आउट करके उसको हम डिवाइजर की बॉक्स में लिखेंगे. एंड देन वी हैव टू यूज द फॉलोइंग पैटर्न्स टू राइट द सेकंड एंड थर्ड लाइन. इसी तरह से हम सेकंड एंड थर्ड लाइन जो आपको अभी मेथड पर बताया है उसी मेथड से हम थर्ड सेकंड एंड थर्ड लाइन फाइंड आउट करेंगे. वर्टिकल पैटर्न जो है दैट शोज वी हैव टू ऐड दिस टर्म. एंड जहां पे ये स्लैंट एरो है डायगोनल पैटर्न है दैट शोज वी मल्टीप्लाई विद ए. सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन विद सिंथेटिक डिवीजन. अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर हो जाए कि हम सिंथेटिक डिवीजन करते किस तरह से है. नाउ सी द एग्जाम्पल. यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलीनोमियल एक्स फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है बट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन. हमें पॉलीनोमियल जो गिवन है दैट इज एक्स फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर एंड द डिवाइजर इज एक्स प्लस थ्री. इसको हमने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है. सो सी इट्स सॉल्यूशन. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फोर माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर. सबसे पहले हमें जो पॉलीनोमियल गिवन होगी उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे. एंड फिर हमने इसमें ये चेक करना होगा कि हमें जो पॉलीनोमियल गिवन है जिसको हमने डिवाइड करना है ये हमारे पास एक्स की पावर्स के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म है या नहीं. तो यहाँ अगर आप देखें तो इस पॉलीनोमियल में हमारे पास ये फोर्थ ऑर्डर की पॉलीनोमियल है, इसकी डिग्री फोर है. अगर हम इसको देखें ये एक्स की पावर्स के हिसाब से अरेंज्ड फॉर्म में है या नहीं. पहले हमारे पास एक्स फोर है, देन एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे हमारे पास x3 टर्म मिसिंग है. सो वहाँ हमने क्या करना है बाय द रूल ऑफ सिंथेटिक डिवीजन कि यहाँ हम जो टर्म भी आपके पास मिसिंग होगी वहाँ हम x की जो पावर्स मिसिंग है उसके साथ हम जीरो इंसर्ट कर लेंगे. कि इस पॉलीनोमियल को फिर हम इस तरह से ले लेंगे कि x4 प्लस जीरो एक्स थ्री देन माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर. तो ये हमारे पास अब इक्वल हो जाएगी एक्स फोर प्लस जीरो एक्स थ्री माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर. एंड यहाँ हमारा जो डिवाइजर है एक्स प्लस थ्री, यहाँ हमने इसको जनरल जो हमारा डिवाइजर होता है एक्स माइनस ए उसके इक्वल रख के इसको कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमें इसको किस नंबर से डिवाइड करना है. सो सी दैट एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री. एंड ये हमारे पास इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो माइनस ए जो है दैट इज प्लस थ्री, तो ए की वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी. या इसको हम इस फॉर्म में लिख लें एक्स माइनस माइनस थ्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा देन ए इक्वल्स टू माइनस थ्री आ जाएगा. एंड यहाँ हमारा जो जो डिवाइजर है वहाँ से हमने इसका जो रूट निकाला है ए इक्वल्स टू माइनस थ्री आ गया. एंड हमारा डिविडेंड इसमें क्या है देर इज एक्स फोर माइनस टेन एक्स के माइनस टू एक्स प्लस फोर. अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन रूल से डिवाइड करेंगे. टॉप पे लिख लेंगे फर्स्ट लाइन में 1, 0 माइनस टेन माइनस टू एंड फोर. एंड हमारे पास डिवाइजर बॉक्स में ए आता है और ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस थ्री. सो लेट्स सी कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है. हमारा जो फर्स्ट कोफिशिएंट है
ऑफ द हाईएस्ट पावर एक्स फोर का जो कोफिशियंट है हम उसको एज इट इज जो है वो नीचे उतार लेंगे, वन हमारे पास नीचे आ जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने जो वन हमारे पास आया है इसको हम अपने जो डिवाइजर बॉक्स में हमारा रूट है माइनस थ्री इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस थ्री वन सा माइनस थ्री एंड माइनस थ्री ये जो है हमारे पास ऊपर जीरो के नीचे चला जाएगा, माइनस थ्री वन सा माइनस थ्री। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस थ्री। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि ये जो हमने अब लिखा है जीरो के नीचे इनको हम आपस में ऐड करते हैं, जीरो माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन इसको हम इसे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री से माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस नाइन। एंड प्लस नाइन को अब हम ऊपर माइनस टेन के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नाइन। एंड देन इनको आगे ऐड करेंगे तो माइनस टेन प्लस नाइन इट बिकम्स माइनस वन। अब माइनस वन को हम अगेन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस थ्री। एंड प्लस थ्री को हम ऊपर माइनस टू के नीचे ले जाएंगे तो दैट बिकम्स माइनस टू प्लस थ्री। इसको अगर हम जब ऐड करेंगे तो व्हाट कम्स, दैट कम्स वन। एंड वन को जब हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री आ जाएगा। इसको हम ऊपर फोर के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास फोर माइनस थ्री हमारा जो लास्ट वन होगा दैट इज अवर रिमाइंडर। तो फोर माइनस थ्री क्या आ जाएगा, वन। सो दैट इज अवर रिमाइंडर। एंड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, और रिमाइंडर से पीछे हमारे पास जो भी ये नंबर्स आते हैं दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन। ये हम अगर इसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो भी डिविडेंड में आपको पॉलिनोमियल की डिग्री दी होती है उससे एक कम आती है। मीन्स हमें फोर्थ ऑर्डर की पॉलिनोमियल दी हुई थी तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट आए हैं उसको जब हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास थ्री होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वन है इसका कोफिशिएंट तो वन एक्स क्यूब मीन्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया एंड आवर रिमाइंडर इज वन। सो दैट्स द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। आपको आई होप कि ये सिंथेटिक डिविजन का मेथड समझ आ गया होगा। अब इसी मेथड को नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमें क्या कहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। मीन्स इसमें हमें उन्होंने कहा है कि हमें जो एक उन्होंने डिवाइजर दिया है वो हमने शो करना है कि वो जो ए की वैल्यू हमें दी हुई है दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। अगर तो वो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन मींस उसका हमारे पास रिमाइंडर जो है वो जीरो होगा एंड वहां से हमारे पास उसके फैक्टर फॉर्म आ जाएगी पॉलिनोमियल की एंड दे आर सेइंग उसको आपने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स एंड जो हमें एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू टू। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हमारे पास दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल बट एक्स की पावर्स जो है उसमें हमारे पास एक्स की टू जो है वो मिसिंग है। तो इसको अगर हम अरेंज फॉर्म में लिखें इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। कि यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो जीरो के साथ ले ली है एंड देन ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे टू था। इसको हम अगर बाय सॉल्व करेंगे अगर एक्स इक्वल्स टू टू है तो इट मींस इसका एक रूट हमें गिवन है। अगर एक्स इक्वल्स टू टू इज द सॉल्यूशन तो इट मींस दैट एक्स माइनस टू जो है इसका जो है हमारे पास फैक्टर होगा। इट मींस कि उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ऑन डिवीजन रिमाइंडर हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगा। Now see it's by synthetic division method. सबसे पहले हम ये lines लगा लेंगे and हमारे पास जो भी polynomial है इसको हम coefficient लिख लेंगे top पे। That is first जो coefficient है that is one, फिर x k का coefficient zero and x का minus seven and constant term is six and हमारे पास जो divisor है that is two। इसको जब हम solve करेंगे by synthetic division तो first सबसे पहले हमने क्या करना होता है
कि हम जो है 1 को जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, तो वो हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 एज इट इज आ जाएगा। देन उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, और वो हम फिर 0 के नीचे ले जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं तो 0 एंड 2 को ऐड करेंगे तो वो 2 ही आ जाएगा। एंड देन अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के साथ, 2 2 4, एंड 4 जो है वो हमारा -7 के नीचे चला जाएगा। नाउ इसको ऐड करेंगे, -7 + 4 3 कम्स एंड -3 कम्स, एंड उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -3 -6 आ जाएगा, एंड वो हमारा 6 के नीचे जाएगा। तो यू कैन सी कि ये हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया। तो इट मीन्स दैट एक्स जो है वो हमारे पास x = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इसको अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर हमारे पास चूंकि 0 है तो एज r = 0 सो x = 2 इज अ सॉल्यूशन, एंड x - 2 इज 1 फैक्टर ऑफ x³ - 7x + 6 = 0। तो ये हमारे पास इसका एक फैक्टर आ गया x - 2, एंड इसको देन हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा कोशेंट क्या हो जाएगा। इसको अगर हम कोशेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन में पॉलीनोमियल की डिग्री थी वो 3, तो यहाँ पे हमारे पास इस कोशेंट की डिग्री क्या होगी, उससे 1 लेस देन हो जाएगी, x की 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कोशेंट बन जाएगा इसका x² + 2x - 3। अब इसको हम आगे हम देख सकते हैं x² + 2x - 3 आगे फैक्टराइज हो सकता है, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो x² + 2x - 3 को हम मिडल टर्म ब्रेक करके इसको हमने किया है, तो इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास -3, प्रोडक्ट में हमें -3 चाहिए, एंड सम में हमारे पास +2, तो इसको हम +3x एंड -x से ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x × x - 1 + 3 × x - 1। इसको हमने ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लिए हैं तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं x + 3 एंड x - 1, एंड एक फैक्टर हमें ऑलरेडी पता है दैट इज x - 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कोई भी पॉलीनोमियल हो तो उसके सॉल्यूशंस हमें कैसे पता चलते हैं, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारे पास जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल है, मींस उसकी डिग्री हमारे पास 3 है, तो इसके 3 सॉल्यूशंस होने थे। एक सॉल्यूशन हमें गिवन था कि वो हमने चेक किया बाय सिंथेटिक डिवीजन कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, उससे हमारे पास ये हुआ कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मीन्स जो x - 2 है वो इसका एक फैक्टर है, एंड दूसरा जो x² हमारे पास पॉलीनोमियल कोशेंट की आई x² + 2x - 3, उसको हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया टू फाइंड द अदर 2 फैक्टर्स। तो इस तरह से हमारे पास इसकी कम्प्लीट फैक्टराइजेशन जो है वो क्या हो गई कि x - 2 x + 3 x - 1। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन में पॉलीनोमियल गिवन है x³ - 7x + 6 यही आनी चाहिए। तो इसका अभी एक क्विक रिव्यू आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन हमने किस तरह से किया था कि हमें क्वेश्चन में एक पॉलीनोमियल गिवन थी एंड एक सॉल्यूशन गिवन था। अब पॉलीनोमियल जो है उसको सबसे पहले आपने उसकी डिक्रीजिंग एक्स की पावर्स के हिसाब से लिखना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में x³, उसके बाद x² होना चाहिए था। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x² टर्म मिसिंग थी, तो इसलिए उसको हमने 0 के साथ ले लिया, 0x² एंड देन -7x + 6, एंड उसके बाद हमें जो एक सॉल्यूशन गिवन था x = 2, अगर वो उसका रूट है उस पॉलीनोमियल का तो x - 2 जो है वो उसका एक फैक्टर होगा। तो उसको चेक करने के लिए हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन उसको चेक किया, तो ये हमारे पास जो है उसको हमने चेक किया, और सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास जो है वो निकल रिमाइंडर उसका 0 आ गया। इट मीन्स कि ये उसका सॉल्यूशन है। सो x - 2 वन ऑफ इट्स फैक्टर, एंड बाकी फैक्टर्स के लिए जो हमारे पास कोशेंट में पॉलीनोमियल आएगी और वो हमारे पास कैसे बनेगी कि हमारे पास जो क्वेश्चन की गिवन पॉलीनोमियल थी वो एक जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल थी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कोशेंट की पॉलीनोमियल आएगी उसकी डिग्री जो है गिवन पॉलीनोमियल से 1 लेस देन होगी, तो वो हमारे पास x² + 2x - 3। उसको डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि x² + 2x - 3 को हम आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई किया, तो उससे हमारे पास इसके अगले दोनों रूट्स भी निकल आए, दैट इज x + 3
एंड एक्स माइनस वन। तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको अपने कम्प्लीटली फैक्टराइज भी करना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था क्वोशेंट पॉलीनोमियल जो हमारी आई थी सिंथेटिक डिवीजन से, उसको आगे हमने फैक्टराइज किया। तो कम्प्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स थ्री माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स जो है वो हमारे पास आ गई, दैट इज एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 12। अब इसी मेथड से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी हम यही काम करेंगे कि हमें जो पॉलीनोमियल गिवन होगी और जो एक सोल्यूशन गिवन होगा उससे हम फाइंड आउट करेंगे वेदर दैट इज अ सोल्यूशन, एंड वहां से हमारे पास क्वोशेंट पॉलीनोमियल आएगी, उसको आगे हम फैक्टराइज करेंगे टू फाइंड कंप्लीट फैक्टराइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपने एज असाइनमेंट करना है, वो आप इन्हीं लाइंस पे करते जाइएगा तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमें दो सॉल्यूशंस गिवन है एंड नेक्स्ट आगे जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो हमने फाइंड आउट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 2x4 प्लस 7x3 माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, फोर्थ ऑर्डर की हमारे पास पॉलीनोमियल है एंड इसमें हमारे पास जो है एक दो सॉल्यूशंस गिवन है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। तो इसको भी पहले हम जो है सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो है अगर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 आर द सॉल्यूशंस, तो इट मींस हमारे पास जो है x माइनस 2 एंड x प्लस 3 जो है वो इसके फैक्टर्स होंगे। अब x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 को हम बाय सिंथेटिक डिवीजन फाइंड आउट करेंगे कि उसके रिमाइंडर्स जो है वो जीरो हो जाते हैं या नहीं। तो सी बाय द सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले हम लाइंस लगाते हैं एंड उसके बाद हम पॉलीनोमियल्स को फर्स्ट लाइन में लिखते हैं उसके कोफिशिएंट्स को, इट इज 2 7 माइनस 4 माइनस 27 एंड माइनस 18 एंड डिवाइजर बॉक्स में हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो लिखते हैं। तो वन बाय वन हम पहले करेंगे, पहले हम x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के हमारे पास हमेशा जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको हम एज इज उतार लेते हैं, तो ये 2 एज इट इज आ गया एंड नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 को हम 7 के नीचे ले जाएंगे तो 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 11 एंड देन फिर अगेन उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 22 को हम माइनस 4 के नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस 18 एंड 18 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18 2 जा 36, 36 जो है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा माइनस 27 के नीचे एंड 36 माइनस 27 व्हाट बिकम्स 9, तो 9 हमारा यहाँ आ जाएगा एंड देन अगेन उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9s आर 18, 18 हमारा माइनस 18 के नीचे आ जाएगा। नाउ यू कैन सी माइनस 18 प्लस 18 व्हाट बिकम्स 0, तो इट मींस x इक्वल्स टू 2 इज वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। कोफिशिएंट की हमें जो क्वोशेंट कोफिशिएंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं तो इसको हम अगेन माइनस 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी ये थर्ड ऑर्डर की बची है, देन उसको नेक्स्ट करेंगे माइनस 3 से, तो उसी तरह से जैसे हमने ऊपर 2 के साथ किया है वही मेथड अब नीचे माइनस 3 से अप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है एंड देन माइनस 3 2 जा माइनस 6, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा प्लस 5 एंड ये हमारे पास 5 आ गया, देन फिर 5 को हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 इंटू 5 बिकम्स 15 एंड 15 हमारा माइनस 15 जो आया है ये हमारा 18 के नीचे आ जाएगा। नाउ इसको हम सॉल्व करें तो 18 माइनस 15 क्या हो जाएगा प्लस 3, अब प्लस 3 इंटू माइनस 3 व्हाट इट बिकम्स माइनस 9 एंड माइनस 9 हमारा 9 के नीचे चला गया और यू कैन सी इसका भी जब हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, सो रिमाइंडर इज 0। तो इट मींस दैट कि जो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 है दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी ये इसकी सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों से हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। As remainder equals to 0, so x equals to 2 and x minus 3 are the solutions.
यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से पता चल गए हमें कि x इक्वल्स टू 2 है, तो 2 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे इसकी फैक्टर फॉर्म बनाने के लिए, तो ये हमारे पास x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 सोल्यूशन है, तो x माइनस 3 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 3. दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, 2x4 प्लस 7x³ माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. नाउ हम इसकी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 3. जीरो से इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है एंड देन x वाली टर्म एंड देन x², तो ये हो जाएगी 2x² प्लस 5x प्लस 3. तो ये हमारी क्वेश्चन पॉलिनोमियल आ गई है एंड इसको हम कम्प्लीटली फैक्टराइज करेंगे. उनका था रिजल्ट को आपने कम्प्लीट फैक्टराइजेशन के लिए भी सॉल्व करना है. तो फॉर कम्प्लीट फैक्टराइजेशन जो हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, दैट इज 2x² प्लस 5x प्लस 3. इसको जब हम करेंगे फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो 5x हमें जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है, दैट इज प्रोडक्ट में हमारे पास 6x² आए एंड सम में 5x, तो दीज टू नंबर्स आर प्लस 2x एंड प्लस 3x. इनको हम ऐड करेंगे तो प्लस 5x आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 6x² आएगा. तो देन उसकी ग्रुपिंग से हम कॉमन निकाल लेंगे, 2x कॉमन, देन x प्लस 1 प्लस 3 इंटू x प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड x प्लस 1. तो हमारे पास इस ये जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल थी इसके फैक्टर्स आ गए 2x प्लस 3 एंड x प्लस 1. अब क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन है वो फोर्थ ऑर्डर की है, तो इट मींस इसके फोर फैक्टर्स निकलने चाहिए थे. तो दो हमारे पास जो गिवन थे x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3, वहां से दो फैक्टर्स बने x माइनस 2 एंड x प्लस 3, एंड दो फैक्टर्स ये हो गए 2x प्लस 3 एंड x प्लस 1. सो इट मींस इट्स कंप्लीट फैक्टराइजेशन of 2x4 plus 7x3 minus 4x² minus 27x minus 18 is x minus 2, x plus 3, 2x plus 3 and x plus 1. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक जस्ट आपको बता देती हूँ कि हमें सबसे पहले जो दो हमें डिवाइजर दिए हुए थे, जो दो सॉल्यूशंस दिए हुए थे, उनको हमने सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने के लिए यूज किया एंड वहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल आ गई 2x² प्लस 5x प्लस 3, उसको आगे हमने फैक्टराइज कर लिया टू फाइंड अदर टू फैक्टर्स. तो इस तरह से ये हमारी कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गई. ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल थी फोर्थ डिग्री की, इसको हम इजीली किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते थे. तो इसको हमने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इसके चारों फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं. तो इसी तरह से हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है वो हम सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल इन्हीं मेथड से है कि उसमें भी हमारे पास जो है दो हमें फैक्टर्स गिवन है, उनको यूज करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन में एंड दे आर सेइंग यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6. कि हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स दिए हुए इनकी मदद से हमने सॉल्व करना है एंड पी एंड क्यू की वैल्यू जो है दो अननोन हमें इस पॉलिनोमियल में गिवन है, दो कोफिशिएंट अननोन है पी एंड क्यू, ये हमने फाइंड आउट करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एफ ओफ एक्स जो है इसको हम पॉलिनोमियल को एफ ओफ एक्स का नाम दे देंगे कि लेट एफ ओफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस 6. और यहाँ हमारे पास ये जो हमारे फैक्टर्स गिवन है एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 एंड जो सेकंड हमारे पास फैक्टर है उसको हम देखें तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. तो माइनस 1 एंड 2 को लेकर हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे. तो बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इसको हम इन ऑर्डर फॉर्म लिख लें पहले कोफिशेंट्स को कि 1 पी क्यू एंड 6, दीज आर द कोफिशिएंट एंड हमारे पास हमारा डिवाइजर बॉक्स में है. फर्स्ट आई का डिवाइजर माइनस 1 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे वही तरीका कि हम सबसे पहले 1 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे एंड देन उसको हम अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 आ जाएगा तो वो हमारे पास नीचे पी के आ जाएगा माइनस 1
इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस वन, एंड इस पी माइनस वन को अगेन हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू के नीचे ले जाएंगे। पी माइनस वन को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पी एंड प्लस वन। तो इसको अगेन हम ऐड करेंगे क्यू के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं क्यू माइनस पी प्लस वन, एंड देन इसको आप अगेन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स के नीचे ले जाएंगे। एंड जब इसको माइनस वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस क्यू प्लस पी एंड माइनस वन। तो ये हो गया पी माइनस क्यू माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी माइनस क्यू एंड प्लस फाइव। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया पी माइनस क्यू प्लस फाइव, एंड दीज आर द सॉल्यूशन, तो रिमाइंडर जो है वो जीरो होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये पी माइनस क्यू प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम करेंगे डिवाइड विथ टू, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन अगला जो है वो हमें एक्स माइनस टू फैक्टर कहा था, तो वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू टू आ गई थी। नेक्स्ट इसको हम टू से डिवाइड करेंगे। अब वही तरीका कि सबसे पहला जो हमारा कोफिशिएंट वन है वो एज इट इज नीचे ऐसे ही आ जाएगा, देन इस वन को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू वन जर टू, वो टू जो है वो हमारा पी माइनस वन के नीचे चला जाएगा। पी माइनस वन में जब हम टू ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस वन प्लस टू, तो पी प्लस वन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये जो पी प्लस वन आया है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर के साथ, तो पी प्लस वन को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, टू पी प्लस टू, और ये टू पी प्लस टू जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है उसके नीचे चला जाएगा। तो टू पी प्लस टू यहाँ आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू एज इट इज हो जाएगा, माइनस पी प्लस टू पी, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस पी हो जाएगा, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस थ्री, एक रिमाइंडर हमारा ये आ गया पी प्लस क्यू प्लस थ्री, दीज आर द टू रिमाइंडर्स। अब हमें ये कहा था क्वेश्चन में कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, अगर ये फैक्टर्स हैं तो इनके रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो एज एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू आर फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो हमारे दोनों रिमाइंडर्स आए हैं इनको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा और एक ये सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी। तो ये इक्वेशन जब सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी पी में, तो हम इजीली पी फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ऐड इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो ये हमारे पास इनको जब हम ऐड करेंगे तो टू पी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कैंसिल एंड फाइव प्लस थ्री प्लस एट, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू पी प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ से अब हम इजीली पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टू पी प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, तो इस एट को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो टू पी इक्वल्स टू माइनस एट हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। ठीक है, अब इस पी की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब इसको हमने पुट कर दिया पी इक्वल्स टू माइनस फोर इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में जब हमने इसको पुट किया माइनस फोर प्लस क्यू प्लस थ्री, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, क्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई क्यू इक्वल्स टू वन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से पी इक्वल्स टू माइनस फोर एंड क्यू इक्वल्स टू वन हमारे आंसर्स आ गए। और यहाँ हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें जो है दो फैक्टर्स दिए हुए थे, और अगर वो दोनों फैक्टर्स थे तो हमारे पास जो है वो रिमाइंडर जो है वो जीरो होगा। तो हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन रिमाइंडर्स निकाले हैं, तो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके हमारे पास जो दो रिमाइंडर्स बने थे, एक आया था पी माइनस क्यू प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, एंड दूसरा रिमाइंडर हमारे पास आया था अगेन जब हमने उसको अगेन डिवाइड किया विद टू, तो दूसरा रिमाइंडर हमारे पास आ गया था पी प्लस क्यू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो है वो पी की वैल्यू निकल आई। फिर उस पी की वैल्यू को हमने
सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एंड हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे. उसमें भी हमें दो अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर 16. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. अब इसको भी आप किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड इसको हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको मैं इसको बाय फैक्टर थ्योरम सॉल्व करवाऊंगी. ऊपर वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको डिफरेंट मेथड जो कि इससे भी आसान हो जाएगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. कि अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल्स मींस कि ये दोनों जो है माइनस टू एंड टू सेटिस्फाई करते हैं इस पॉलीनोमियल को. ठीक है, अब ये अगर रूट्स हैं तो इनके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? अगर x इक्वल्स टू माइनस टू आर द रूट, तो x प्लस टू इज अ फैक्टर. इसी तरह से x इक्वल्स टू टू आर द रूट, तो इट मीन्स x माइनस टू आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. सो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. ये हमारी पॉलीनोमियल है, इसको हमने f ऑफ x के इक्वल ले लिया. एंड देन उसके बाद हमें जो गिवन है माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल. So what it implies? So this implies that x plus 2 and x minus 2 are the factors of the polynomials. It means that ke isse ye hame equation ko satisfy karte hai, to ye inke root honge. Root hai to ye iske factors honge. So agar ye iske factors hai, to by factor theorem, humne factor theorem mein kya padha tha? Agar x minus a jo hai wo factor hai polynomial f of x ka, to it means that कि उसका जो रिमाइंडर है f of a equals to zero होगा. यहाँ पे वही थ्योरम हम अप्लाई करते हुए कि by factor theorem कि x plus 2 and x minus 2 will be factor of f of x if f of minus 2 equals to zero and f of 2 equals to zero. factor theorem में हमने यही पढ़ा था x minus a will be the factor of f of x if f of a equals to zero. यहाँ पे a जो है जो root है वो हमें minus 2 and 2 दिए हुए, तो these are the factors if f of minus 2 equals to 0 and f of 2 equals to 0. तो हम पहले first of all हम f of minus 2 find करेंगे, उसको equals to 0 put कर लेंगे, फिर f of 2 find करेंगे, उसको equals to 0 put कर लेंगे. उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी दो equations बन जाएगी and उन दोनों को हम equals to 0 रख के solve करेंगे, तो हमारे पास a and b की values आ जाएंगी. तो let's see f of minus 2 क्या होगा. तो पॉलीनोमियल में हम x के प्लेस पे माइनस टू पुट कर देंगे, f ऑफ माइनस टू आ जाएगा हमारे पास. सो नाउ f ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू जीरो पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू क्यूब. पॉलीनोमियल में जहाँ भी x है वहाँ पे हम माइनस टू पुट कर देंगे, माइनस टू क्यूब माइनस फोर इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस टू प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. एंड माइनस टू क्यूब ओपन करेंगे इट बिकम्स माइनस एट, माइनस माइनस टू का स्केयर ओपन करेंगे प्लस फोर, एंड प्लस फोर इंटू माइनस फोर बिकम्स माइनस सिक्सटीन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा माइनस एट माइनस सिक्सटीन माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देंगे. अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे f of 2 equals to 0, means इस पॉलीनोमियल में हम x की जगह पे अब 2 पुट करेंगे एंड फिर इसको हम इस इक्वेशन f of 2 equals to 0 में पुट कर देंगे. सो लेट्स सी f of 2 equals to 0 क्या बनता है. सिंस f of 2 हमारे पास 0 के इक्वल है तो ये हम इक्वेशन जो हमारी है उसमें पुट कर देंगे. ये हो जाएगी 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. सो इट बिकम्स एट, टू क्यूब एट हो जाएगा, माइनस टू स्केयर फोर, एंड फोर फोर सा माइनस सिक्सटीन प्लस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. तो ये आ गया हमारा एट माइनस सिक्सटीन प्लस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. एंड इट बिकम्स माइनस एट प्लस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू
जीरो। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है इन ए एंड बी। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो इन दोनों इक्वेशन को भी हम ऐड करें। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस 20। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी माइनस 24 माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी माइनस 8 प्लस 2a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। इनको हम ऐड करेंगे तो माइनस 24 एंड माइनस 8 इट बिकम्स माइनस 32। माइनस 2a और प्लस 2a कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी एंड प्लस बी बिकम्स प्लस 2b इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस 32 प्लस 2b इक्वल्स टू जीरो। एंड यहाँ से हमारे पास जो है वो 2b की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माइनस 32 प्लस 2b इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज 2b इक्वल्स टू प्लस 32। एंड यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 16। अब ये जो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है इसको हम किसी भी इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी आप पुट कर दे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट माइनस 8 प्लस 2a प्लस b की जगह पे हम 16 पुट कर देंगे। तो 16 माइनस 8 8 रह जाएगा, 8 प्लस 2a इक्वल्स टू जीरो। एंड यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2a इक्वल्स टू माइनस 8 एंड देन a कम्स माइनस 4। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, दैट इज a इक्वल्स टू माइनस 4। और b की वैल्यू हमारे पास है 16। तो दैट्स आवर सॉल्यूशन, a इक्वल्स टू माइनस 4 एंड b इक्वल्स टू 16। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक दफ़ा रिकैपिटुलेट भी कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दो रूट्स दिए हुए थे एंड एक माइनस 2 एंड प्लस 2। अब हमने पढ़ा है कि अगर वो x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 आर द सॉल्यूशंस, तो इट मींस दैट x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। और हमने पीछे फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि x माइनस a विल बी द फैक्टर इफ f ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो वही स्टेटमेंट हम यहां अप्लाई कर रहे हैं कि x प्लस 2 विल बी द फैक्टर इफ f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड इसी तरह से x माइनस 2 विल बी द फैक्टर इफ f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0 निकाल लेंगे एंड f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन माइनस 24 माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 आ गई f ऑफ माइनस 2 जब हमने फाइंड किया। एंड इसी तरह से फिर हमने f ऑफ 2 को 0 के इक्वल पुट करके फाइंड किया, तो वो हमारी इक्वेशन बन गई माइनस 2 माइनस 8 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। एंड इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है a और b की वैल्यूज आ गई, a इक्वल्स टू माइनस 4 एंड b इक्वल्स टू 16। सो दैट्स आवर एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए एंड इसी तरह से नेक्स्ट हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 16 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब जो है डियर स्टूडेंट्स, आपने असाइनमेंट में जो है इसका एक्सरसाइज 4.5 के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7, दीज एग्जाम्पल्स जो है बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आपने सॉल्व करनी है। एंड इसी तरह से आपने जो सिंथेटिक डिवीजन के ही क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 13 वो आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपने सॉल्व करना है बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। एंड देन आपने प्रैक्टिस करनी है इस कम्प्लीट एक्सरसाइज की कि आपको जो है इस टॉपिक पे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड सिंथेटिक डिवीजन जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में ये तीन टॉपिक थे, इनका कम्प्लीटली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं। सो इनको सॉल्व करके देखिएगा टू अवेल्यूएट योर सेल्फ। सो दैट्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।